सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह का वो इंट्रो व्लॉग गुड मॉर्निंग वाला बनाना भूल गई थी, तो तभी मैंने बस फ़ोटो लगा लिया। अब आप भी ये फ़ोटो देख के पक गए होगे, तो अब आगे का व्लॉग देखिए और एंड तक बने रहिएगा व्लॉग में। बाय बाय। कल जैसे डॉली ने मुझे जलील करा था ना, मतलब जलील तो क्या है यार, झाड़ू लगाने सभी का काम होता है, अपने घर का झाड़ू। चीची में कैसी काम वाली बाई जैसी लग रही होगी। चलो बाय बाय, दिखा ये देखो डॉली को। डॉली डॉली ये देखो, हमने नई झाड़ू लगाने के लिए अपॉइंट करी हुई है। मैंने इससे कहा आज तो शिवरात्रि है ना। अरे आज शिवरात्रि है, आप सभी को हैप्पी, आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि। हाँ तो क्या सोचेंगे कि आपने घर का काम करने में किस चीज़ की शर्म। यार तो क्या होगा जब तुम पूरे दिन भर में जरूरी 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के 24 घंटे थोड़ी पढ़ते होगे तुम लोग, है ना। थोड़ा तो टाइम ऐसा होगा कि उसमें से 10 मिनट लग में झाड़ू लग जाता है, उसमें क्या बड़ी चीज़ है। हाँ मैं कर रही हूँ। तो इसका झाड़ू अब लग चुका है और हर्षू ने तो हमारा नहा भी लिया। सो हेलो गाइस, फाइनली मैंने नहा लिया है मस्त। अब 9 बज गया है ना, तो अब हमें डॉली को का थायराइड का टेस्ट कराने हॉस्पिटल जाना है, और आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। ये डॉली भी नहा चुकी है, अब पकड़ना क्या। अरे नहा ये थोड़ा मैसीपन, ये थोड़ा मैसीपन सबके घरों पे रहता है, ठीक है। देखो मैं थोड़ी थोड़ी लंबी भी हूँ, और ये देखो ऐसे उछल के थोड़ी होता है। थोड़ा चलो थोड़ा डिफरेंट, छोटा वाला लगना चाहिए ना। मैं छोटी वैसे हम क्या जुड़वा जैसे लगते हैं, दिखाना तो। हाँ लगते हैं क्या, लगते हैं क्या। वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छा फ्रेम आ रहा है यहाँ पर लेना चाहूँगा। देखा ये हमारा मस्त खिड़की वाला शीशा है, ये वैसा कोई शीशा ही नहीं है, बस यू नो ना, मिडिल क्लास फैमिलीज तो ऐसा ये लाइफ स्टाइल। और ये देखो थोड़े कपड़े ऐसे भी पड़े रहते हैं, डॉली के बुक्स पड़ी हैं। अरे यार कैसी बुक्स पड़ी हैं। तब तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो अब आपको हॉस्पिटल से आके मिलते हैं। और सुनो सुनो, हाँ रास्ते में मिलेंगे। और थैंक यू मेरे 400 सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू। हाँ 400 सब्सक्राइबर हो गए ना। हाँ फिर 500 होंगे, फिर मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1000 होंगे, आए हाए मजा आ जाएगा। सपने तो भैया सपने तो देखने चाहिए ना, जब सपने देखेंगे तभी तो हमारे सपने पूरे होंगे ना। और आज मुझे पता है काफ़ी टाइम बाद ये ब्लैक सूट मिला है, तो अब मैं हॉस्पिटल से जब घर आऊँगी तो उसके बाद मैं इसमें वो शॉर्ट्स बनाऊँगी। पोछा नहीं लगाया है, बाय 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 बाय, मार खाएंगे हम, बाय बाय। वैसे मैं ये ब्लैक सूट ना कब से ढूंढ रही थी, बहुत टाइम से। मैं सोच रही हूँ आज इस पर कोई डांस वीडियो बनाऊँ, तो मिल गया। अभी तो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, फिर घर आऊँगी। आज तो वैसे भी व्रत है, नाश्ता वाश्ते का कुछ है नहीं, तो फिर घर आऊँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी डांस की वीडियो। बाय बाय। और थैंक यू मेरे 400 सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू। ऐसे मैं अपनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ, मोटी लग रही हूँ क्या आजकल मैं? ठीक तो हूँ, ज़्यादा मोटी थोड़ी हूँ अभी इतना तो। पर मेरी कॉलर बोन नहीं दिखती है पता है, ये मुझे अपनी कॉलर बोन पता ऐसे देखनी पड़ती है, ऐसे ये ऐसे करना पड़ता है, मतलब हाथों को, तो थोड़ी सी ये हड्डी दिखती है ये। तो डॉली पिठियाँ ले आई है, अभी पिठियाँ लगाएगी अपने। अरे हम तो शीशे में ही देख सकते हैं। हाँ मेरा फास्ट है। फिर मैंने ले ही लिया। ले यहाँ अपना पिठियाँ लगा दिए, पिठियाँ तो लगाना ही पड़ता है बिकॉज फास्ट है ना आज हमारा, दैट्स व्हाई। वैसे भी रोज़ वैसे भी रोज़ लगाती है नहाने के बाद, क्यों। चल लगा लिया, छत लगा लिया। ओके चलो चलो।
मैंने लगा लिया है पिट्ठियाँ, और मैंने हाँ इसने भी लगा लिया है। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल की ओर, हॉस्पिटल की ओर चल चलते हैं, चल चल बाय। तो ये हम निकल गए हैं अब अपने घर से हॉस्पिटल की ओर। तो बोलूँगी आधा, क्योंकि अब यहाँ पे मैं बोल नहीं सकती थी ना कुछ तभी। तो ये डॉली बैठी हुई है अभी, जो भैया ये डॉली का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं थायराइड के लिए तब। और बेचारी डॉली देखो कितनी टेंस्ड है बेचारी, परेशान, क्योंकि आज वो फर्स्ट टाइम मतलब ब्लड टेस्ट करा रही है अपना अभी तक का, मतलब इसने अपने ब्लड ग्रुप के लिए भी टेस्ट नहीं करवाया है, पता है आप लोगों को। और तो यहाँ पे इसकी नसी नहीं मिल रही थी, तो ये इतना डर गई थी जब भैया ने इसके हाथ से टप टप मारा है, अरे क्या कर रहे हैं ये करके, क्योंकि आज पहली बार टेस्ट कराई थी ना। और देखो इसने मुट्ठी भी कितना ढीले बांधी है, तो तब इसके इस हाथ में ना नसी नहीं मिली। तो फिर भैया ऐसे मुझे पता शॉक ऐसे शॉकिंग रिएक्शन दे रहे थे, क्या कर रही है पागल जैसी करके। तो फिर डॉली के इस हाथ में भैया ने इंजेक्शन तो घुबाया, पर डॉली ने फिर पता नहीं कि मुट्ठी ढीली छोड़ दी, पता नहीं क्या हुआ, इंजेक्शन तो अंदर चले गया पर नस नहीं मिली। फिर ये भैया ने देखो अभी भी इंजेक्शन अंदर ही रखा है शायद, पता नहीं नस नहीं मिली ना, पता नहीं क्या हो गया, इंजेक्शन को डाला था इन्होंने। हाँ इसने शायद डॉली ने ना मुट्ठी भी ढीली छोड़ दी थी अपनी, तो वो नस अजीब वही हो गई, पता नहीं क्या हुआ उसमें। ठीक है अब ये डॉली का सुई निकाल दी पर खून नहीं निकला है। तो फिर वो भैया ने ये जो सीनियर वाले वहाँ पर बैठे थे ना साइड में, उन्हें बुलाया था, फिर उन्होंने निकाला था डॉली का ब्लड। फिर ये जगदीश भैया ऐसे में शायद इन्हें थैंक्स बोल रही थी। और इनकी एक बहुत क्यूट सी, दो क्यूट सी बेटियाँ भी हैं बहुत, और इन्हें ना होम ट्यूशन भी चाहिए था अपनी बेटी के लिए। तो डहरिया साइड पर अगर आप में से कोई होगा डहरिया साइड पर जो होम ट्यूशन पढ़ा सकता है तो प्लीज़ बताइएगा। तो अब हम आए हुए हैं पार्किंग में, सो ये देखो अब हम जा रहे हैं घर को कुछ टाइम बाद, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है तो व्रत वगैरह भी है। ये रही स्कूटी, कल तो पता है मुझे पार्किंग में अपनी स्कूटी ही नहीं मिली, फिर वो जो भैया है उन्होंने कहा, मतलब मैंने इस साइड ही खड़ी करी थी वो उस साइड थी, तो चलो बाय बाय। तो हमारी स्कूटी ना पंचर हो गई थी, तो अब हम स्कूटी पंचर हुई थी और उसका साथ में ना जो वो ट्यूब था तो वो भी ख़राब हो गया था, तो भैया ने पंचर तो सही कर दिया, तो दोनों अब ट्यूब लगा रहे थे नीचे पे। गाइस अब हम आ गए हैं घर, हमारा टायर भी पंचर हो गया था, टायर वगैरह चेंज कराया और वो फिर वॉल भी हो रहा था, हवा निकल रही थी, हाँ वॉल वगैरह हमने 250 रुपये का खर्चा कर दिया। नहीं 350 रुपये, 100 का पेट्रोल भरा ना, 350 रुपये हमने स्कूटी पे ही खर्च कर दिए। हाँ तो अब हम घर जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट तो हो गया है। कुछ खाते हैं वरना फास्ट है आज, तो अब कुछ खा भी नहीं सकते, वरना अंडे पुणे जाके मोमो खाते हैं, क्यों नहीं। हाँ चल अब कोई नहीं, अब घर में फल फूल खाएंगे। सो हेलो गाइस हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। सो अब हम घर आ चुके हैं एंड हमारे बाल इतने मैसी मैसी हो गए हैं,
बट इट्स ओके। अब नेहा पोछा लगाने गई है, मीन्स हमने झाड़ू लगाया था ना सुबह, मैंने मतलब, अब वो पोछा नहीं ला के गए थे हम लोग, तो वो पोछा लगा रही है अब। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी, उसने ऐसे मुझे झाड़ू लगाते समय दिखाया था, मैं आपको पोछा लगाते समय दिखाऊंगी कैसे मतलब पोछा लगाते समय उसको दिखाऊंगी। ओके, अब तक आप बने रहिए। नेहा आ गई है पोछा लेके, सुबह लगा के नहीं गए थे हम। ऐसे ही हो गया यार सुबह से, तूने मेरा देसी जुगाड़ वाला पोछा दिखाया है। हाँ। ये पता है मैंने क्या करा, बाथरूम का मतलब वाइपर था ना, बाथरूम का क्या वाइपर लिया और एक स्वेटर था हमारा, पोछा हो गया टूट गया, वो जो बाल्टी डब्बे वाला नहीं होता मॉप वाला, वैसे डालो घर घर घूमता है वाला, तो वो हो गया था खराब। तो हमने क्या करा, एक स्वेटर था मम्मी का पुराना, उसको मैंने फाड़ा, उसके जैसे अलग अलग टुकड़े कर दिए और मस्त वाइपर के डंडे में हटाया, बढ़िया लग रहा है, उससे भी चकाचक साफ हो रहा है इससे तो यार, जो वाला डोरी वाला था उससे बढ़िया लग रहा है। तो सुबह से ऐसे ही हो गया अब फटाफट से, और ये सोफे भी साफ करने हैं यार, कितना गंदा हो रहा है अंदर ही, मैं ऐसी पूरा मैं साफ करती हूँ, तू जा तो लगा ले पहले पोछा फिर उसके बाद। चलो यार बाय बाय, चलो ठीक है, मिलती हूँ, बाय बाय। तो ये मेरी डांस की वीडियो है, मैं इसमें सॉन्ग इसीलिए नहीं चला रही हूँ क्योंकि फिर इसमें कॉपीराइट आ जाएगा ना, तो आप लोग प्लीज़ जिसको देखनी होगी वो शॉर्ट्स में जाके देख लेना। और वैसे ये वाला गाना है, दो नैन सितारे क्या चांद समखड़ा, दावत में जैसी हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई नाजनी। वाह, मैं गलत करके गाने को कितने कॉन्फिडेंस के साथ गा रही हूँ अपनी बेसुरी सी आवाज़ में, वैसे स्वीट हार्ट वाला है ये। तो फाइनली हमारा डिनर बन चुका है, सुबह से व्रत रख के 8 बज चुका है अब, तो अब डिनर करते हैं, रुको दिखाती हूँ। ये सेवई, ये खीर, ये रस वाली सब्जी, ये आलू की सब्जी, और ये आलू तरोल की सब्जी, और ये कद्दू की सब्जी। तो फाइनली हमारा खाना वगैरह सब हो चुका है, 9 बजने वाला है, 8:55 हो चुका है अभी। तो अब मैं फटाफट से इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मतलब आज के लिए व्लॉग में इतना ही, अभी ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ और एडिटिंग करती हूँ। मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता मुझे एडिटिंग में, बट फिर भी। तो बाय बाय, गुड नाइट।